जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तो दोस्तों, अपने चल रही थी राजस्थान में 1857 की क्रांति, और क्रांति के हमने एरनपुरा छावनी तक विद्रोह पढ़ लिया था। सबसे पहले आज गुरु पूर्णिमा है, सभी ने बहुत सारे विद्यार्थियों के व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक पर काफ़ी जगह मैसेज आए थे। सभी को जवाब दे दिया गया है, जिनको नहीं दिया गया उनको बाद में दे दिया जाएगा, क्योंकि कुछ एक पल होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, तो उसके अंदर आपको जवाब दे दिया जाएगा। जो इनके विद्यार्थियों के जवाब नहीं मिले हैं उन्हें भी जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो, अपनी चल रही थी राजस्थान में 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। अभिलेख वाला जो पार्ट है वो पार्ट हमने लगभग पढ़ लिया है, लेकिन ये क्रांति वाला टॉपिक है, दो टॉपिक अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। हमने इस क्रांति के जो पार्ट था उस पार्ट के अंदर हमने पढ़ लिया था एरनपुरा छावनी तक विद्रोह पढ़ लिया था। अभिलेख वाली क्लास है वो आगे वाली क्लास में आ जाएंगे, अभिलेख सारे, यानी दो टॉपिक अपने साथ में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि बच्चे क्या है कि आप कभी बोर ना हो कि एक ही एक टॉपिक चल रहा है सर, क्योंकि ये लंबे लंबे पार्ट होंगे, इनके 30-30 मिनट के अंदर जितना होगा उतना ज़्यादा करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो दोस्तों, करते हैं शुरू। 1857 की क्रांति में एरनपुरा छावनी से आगे हमें पढ़ना है कोटा में विद्रोह है। कहाँ पढ़ना है अभी? कोटा में विद्रोह है। देखो, कोटा में विद्रोह कब हुआ था सर? तो कोटा में विद्रोह आपको पता ही है, मैंने बताया था, ठीक 15 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को। कहाँ विद्रोह हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह हुआ था, कोटा के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? कोटा के अंदर विद्रोह हुआ था। कई बार क्या होता है कि जब क्लास चलती है तो कैमरा ऑटोमेटिक जूमिंग लेने लग जाता है, जिससे आपको धुंधला दिखाई देता है। हालांकि क्लैरिटी साफ आती है, लेकिन आपको साफ दिखाई नहीं दे पाता। तो जिनको आवाज़ साफ सुनाई देती है वो सुन लिया करें, क्योंकि कभी कभार समस्या हो जाती है, कैमरा चलाना आता नहीं हमें, ठीक है। कोटा में विद्रोह, अब देखो, कोटा के जो विद्रोह हुआ था, कोटा के अंदर विद्रोह हुआ था, वो आमजन ने विद्रोह किया था। आमजन ने किसके साथ किया था? आमजन ने, यानी वहाँ की जनता ने, आमजन ने राजकीय सेना के साथ विद्रोह किया था। वहाँ की सेना के साथ, राजकीय सेना के साथ विद्रोह, सेना के साथ विद्रोह किया था। देखो, विद्रोह किया था, लेकिन आपको बता देता हूँ, कोटा के अंदर कोई प्रकार की छावनी नहीं थी, कोई सैनिक छावनी नहीं थी कोटा के अंदर, लेकिन यहाँ पर आमजन व राजकीय सेना ने यहाँ पर क्या किया था? विद्रोह किया था। अब देखो, कोटा के उस वक्त राजा कौन थे? आपको एक तो याद रखना है, कोटा के राजा कौन थे? महाराव। क्योंकि जो यहाँ के राजा थे वो अपने नाम क्या क्या लगाते थे? महाराव लगाते थे। महाराव राम सिंह सेकंड थे। कौन थे भी? राम सिंह सेकंड थे। एक बार क्लास को सभी साथी शेयर कर दें। आपके टेलीग्राम पर पूछा गया था किस टाइम क्लास लगाई जाए, तो आप सभी का जवाब रहा था 4 बजे क्लास होनी चाहिए, तो ये क्लास 4 बजे लगा दी गई है आपकी, ठीक है ना। तो महाराव राम सिंह सेकंड, और जयपुर के भी राजा कौन है? राम सिंह सेकंड है। आमेर के जयपुर के कछवा वंश के राजा जो 1857 की क्रांति के समय कौन थे? राम सिंह सेकंड थे, जिन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था, बार बार बताया जा चुका है। और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे बर्टन था। कौन था भाई? बर्टन। आपको पता ही होगा कोटा के कोट के क्या लगाना है? बटन, हमने शुरुआत में पढ़ा था। अब देखो, कोटा में विद्रोह हुआ था, यहाँ पर कोटा में नेतृत्वकर्ता यानी क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? क्रांति के नेतृत्वकर्ता में नाम आता है जयदयाल मेहराब खां, यानी ये व्यक्ति थे। मेहराब खां का संबंध है वो करौली रियासत से था। जयदयाल थे और मेहराब खां थे। इनके साथ दो व्यक्ति और है, एक का नाम आता है भवानी और एक का नाम आता है नारायण। भवानी और एक का नाम क्या आता है? नारायण। यानी ये दो व्यक्ति और थे इनके साथ, देन भवानी अल्टन और नारायण अल्टन, जो किसका सर काटेंगे? मेजर बर्टन का सर काटेंगे, ठीक है। अब देखो, जयदयाल और मेहराब खां ने यहाँ पर क्या किया था? विद्रोह किया था। यानी यहाँ पर नेतृत्व करने वाले कौन थे? जयदयाल और मेहराब खां थे। अब जयदयाल कौन थे कि सर? जयदयाल थे, वो थे कोटा राज्य के वकील थे। कौन थे भाई जयदयाल? जयदयाल थे कोटा राज्य के वकील थे, राजकीय वकील थे कोटा राज्य के राजकीय वकील। कौन थे भाई? जयदयाल। अगर आपको पूछ ले कि मेहराब खां कौन थे, तो मेहराब खां थे कोटा राज्य की सेना के सेनापति थे। कोटा राज्य की सेना के सेनापति कौन भाई? सेनापति थे मेहराब खां, ठीक है। मेहराब खां कोटा राज्य की सेना के क्या थे? सेनापति। ये क्या थे? जयदयाल तो थे कोटा राज्य के वकील थे, और जो जयदयाल थे वो कोटा राज्य के वकील थे, और जो मेहराब खां थे वो कोटा राज्य की सेना के क्या थे भाई? सेनापति थे, जिन्हें क्या कहा जाता है? रिसालदार भी जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिसालदार। देखो हुआ क्या था, यानी यहाँ पर विद्रोह किस प्रकार हुआ था आपको ध्यान होना चाहिए, यानी विद्रोह का कारण क्या था? विद्रोह का कारण क्या था कि 1857 की क्रांति के विद्रोह का कारण क्या था कि कोटा के अंदर विद्रोह हुआ था?
हुआ यहाँ पर। आपको पहले तो मैंने आपको बता ही दिया है कोटा के अंदर जो राजस्थान का सबसे बड़ा विद्रोह, पहले वाली क्लासेस जिन्होंने नहीं देखे वो एक बार पहले वाली क्लासेस जरूर देख लें क्योंकि उनके अंदर लगभग जानकारी दी गई है। ये हुआ था राजस्थान का सबसे बड़ा विद्रोह, यही हुआ था राजस्थान का सबसे बड़ा विद्रोह है। यानी अगर आपको पूछ ले 1857 की क्रांति का राजस्थान का सबसे बड़ा विद्रोह है कहाँ हुआ था, तो सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था कहाँ हुआ था भाई, सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था कोटा के अंदर हुआ था। और पश्चिम राजस्थान का अगर आपको सबसे बड़ा विद्रोह है पूछ ले तो एरनपुरा छावनी के अंदर हुआ था, जो हमने इससे पहली वाली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, उसके बारे में जानकारी ली थी। अब देखो विद्रोह का यहाँ पर कारण क्या था, विद्रोह का कारण यानी यहाँ पर विद्रोह का कारण ये था कि मेजर जो बर्टन था वो बर्टन एक बार नीमच चला गया था। कहाँ चला गया था, नीमच चला गया था। अब देखो विद्रोह का कारण क्या था, नीमच चला गया, कौन चला गया, नीमच चला गया था, चला गया था, कौन चला गया था भाई नीमच, बर्टन चला गया था। यहाँ जो बर्टन था वो बर्टन कहाँ चला गया था, नीमच चला गया था। अब जब बर्टन नीमच चला गया अब क्या हुआ, पीछे से जो व्यक्ति थे जयदयाल और मेहराब खां, इन्होंने क्रांति की योजना बनाई दोनों ने। फिर उनके बाद कहते हैं कि जब उन्हें ये कहा गया, इन्हें कोई यानी कुरान की कसम खिलाई गई, उसके बाद इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो इन्होंने बाद में तो विद्रोह नहीं किया था, लेकिन जब बर्टन वापस आ गया था नीमच से, नीमच से बर्टन जब वापस आ गया था तो इनको कहने लगे कि आप इन दोनों को क्या दी जाएगी, सज़ा दी जाएगी। जयदयाल और मेहराब खां को क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी, क्योंकि बर्टन के चले जाने के बाद इन्होंने विद्रोह की योजना बनाई थी। तो जैसे इस बात का पता आमजन को चला तो आमजन ने यहाँ पर क्या कर दिया था, राजकीय सेना के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया था। यही कारण था जयदयाल और मेहराब खां ने यहाँ का क्या किया था 1857 की क्रांति के अंदर कोटा का क्या किया था भाई, नेतृत्व किया था। अब देखो जैसे इस बात का पता चला तो राम सिंह को क्या किया गया, जो जयपुर जो कोटा के राजा थे राम सिंह, राम सिंह को कोटा दुर्ग के अंदर बंदी बना लिया गया था। राम सिंह को कोटा दुर्ग में क्या बना लिया, कोटा दुर्ग में बंदी बना लिया, बंदी बना लिया, बना लिया था। अब देखो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले भी कहा आप जितने लाइव हो ठीक है बहुत बढ़िया बात है, जितने भी हो उतने पढ़ाई करो बढ़िया तरीके से, आपको सिर्फ पढ़ाई से उद्देश्य है, पढ़ाई आपको हो रही है, जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे क्लासें आ रही है, दो दिन लगातार आ जाएगी, दो दिन मना हो जाएगी, यानी थोड़ी सा कारणवश आपको बार बार बताया जा चुका है तो दो दिन नहीं आ सकती क्लास, तो जैसे ही टाइम मिलता है क्लास आपके लिए लेकर आ जाते हैं। तो राम सिंह को कोटा दुर्ग का क्या बनाया गया था, नहीं राम सिंह को कोटा दुर्ग के अंदर बंदी बना लिया गया था, यानी इसको बंदी बना लिया। और यहाँ पर जो आम जनता थी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, शासन करना शुरू कर दिया था कोटा के अंदर, लगभग 6 माह तक शासन किया था यहाँ की आम जनता ने। और यहाँ पर कोटा दुर्ग के अंदर बताते हैं राजस्थान में एकमात्र स्थान था 1857 की क्रांति का, वो मैं लिखवाऊंगा आपको, राजस्थान में एकमात्र स्थान था 1857 की क्रांति के अंदर कोटा दुर्ग के अंदर, जहाँ पर क्या फहराया गया था, तिरंगा फहराया गया था, वो यहीं से संबंध है। कहाँ से संबंध है, कोटा के विद्रोह से ही संबंधित है, ठीक है। ये विद्रोह का कारण था, क्या कारण था, बर्टन चला गया था एक बार, कहाँ चला गया था, नीमच, पीछे से इन्होंने योजना बनाई तो इनको कसम खिलाई गई थी, लेकिन जब बर्टन वापस आ गया, इन्होंने उस वक्त तो कुछ भी प्रकार की क्रांति नहीं की, लेकिन जब बर्टन वापस आ गया तो यहाँ के राजा ने कहा इनको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। इस बात से आम जनता क्या हो गई थी, नाराज हो गई थी, और आम जनता ने राज की सेना के साथ मिलकर क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद क्या किया गया था, राम सिंह जो जयपुर के राजा थे राम सिंह सेकंड, इनको क्या कर दिया गया, कोटा दुर्ग के अंदर बंदी बना लिया गया था, यही कारण था। अब देखो अब आएंगे काम, यहाँ पर आएंगे, अब आएंगे भवानी अल्टन और नारायण अल्टन का काम, जो बर्टन का सर काटकर कहाँ पर घुमाएंगे, पूरे कोटा शहर के अंदर घुमाएंगे, और बाद में कोटा दुर्ग के बाहर उनकी गर्दन को टांग दिया जाएगा, किसकी, बर्टन की, ठीक है। मिटा देता हूँ, उसके बाद चलते हैं अपने आगे। ये महत्वपूर्ण है जो चल रही है, क्योंकि यहाँ से विशेष बात पूछी जाती है एग्जाम के अंदर की, क्रांति के अंदर ऐसी पूछेगा जो आपको उसके बारे में तो पता है लेकिन उससे संबंधित नहीं पता है आपको, ये बात महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे आपको ऐसे पूछ लेगा कि भाई यहाँ पर विद्रोह करने, यानी बर्टन का तो सर काटा गया था, बर्टन के साथ साथ और किसकी हत्या हुई थी, यहाँ ऐसे पूछ लेगा कोटा के विद्रोह में निम्नलिखित में से किसकी हत्या नहीं हुई थी, तो आपको ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, वहाँ पर अलेक्जेंडर दे देगा, तो अलेक्जेंडर की यहाँ पर हत्या थोड़ी होगी, पहले ही आपको बताया, जल्दी से बताओ अलेक्जेंडर की हत्या कहाँ पर की गई थी, कौन से जो जहाँ पर क्रांति हुई थी, कौन सी जगह क्रांति हुई थी जहाँ पर अलेक्जेंडर की हत्या की गई थी, जो एजेजी का पुत्र था, बताओ जल्दी जल्दी सभी साथी। अब देखो यहाँ पर भवानी अल्टन और नारायण, भवानी और नारायण ने क्या किया, भवानी और नारायण जो दोनों व्यक्ति थे इन्होंने क्या किया था, इन दोनों ने बर्टन का सर काटा, पूरे कोटा शहर के अंदर घुमाया, किसका सर काटा भाई, इन दोनों ने बर्टन का सर काटा, बर्टन का सर काटकर, सिर काटकर कहाँ घुमाया भाई, बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया, पूरे कोटा शहर में घुमाया, कोटा शहर में घुमाया, किसका सर काटकर भाई, बर्टन का सर काटकर पूरे कोटा शहर के अंदर घुमाया। अब देखो जब बर्टन का सर काटकर पूरे कोटा शहर के अंदर घुमाया गया, अब क्या हुआ था,
जब बर्टन का सर काटकर कोटा शहर के अंदर घुमाया गया, उसके बाद कोटा दुर्ग के बाहर इसकी गर्दन को टांग दिया गया था। इसके दो पुत्र थे, ओथनर व सेडनर। एक का नाम क्या था? ओथनर। और एक का नाम क्या था? सेडनर। इन दोनों को भी क्या कर दिया गया था? इन दोनों की भी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, 1857 की क्रांति के अंदर कोटा में जिनकी हत्या हुई थी उनका नाम आता है, एक तो बर्टन हो गया, इसके दो पुत्र थे, एक का नाम ऑर्थर था और एक का नाम क्या था? सेडनर था। इन दोनों की क्या की गई थी? यहाँ पर हत्या की गई थी। इनके साथ साथ दो व्यक्तियों के नाम और आते हैं, सेडनर व कोटन। सेडनर तो आ गया और ऑर्थनर व सेडनर, इनकी क्या कर दी गई थी? बर्टन के पुत्रों की यहाँ पर इनकी यहाँ पर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, अब उसके बाद देखो इनका सर काटा किसने था? भवानी अल्टन और नारायण अल्टन ने किसका सर काटा था? किसका काटा था भाई? बर्टन का काटा था। बर्टन के सर को काटकर पूरे कोटा शहर के अंदर घुमाया गया था, क्रांति का बिंगुल बजा दिया गया था यहाँ पर। अब देखो जयपुर के राजा जो सॉरी कोटा के राजा थे राम सिंह सेकंड, उनको क्या किया गया था? उनको बंदी बना लिया गया था और यहाँ पर क्रांतिकारियों ने राज करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ था? उसके आगे की घटना क्या हुई थी? उसके आगे की घटना देखो, उसके बाद जब कोटा का विद्रोह बहुत बड़ा हो गया था, यानी काफ़ी बड़ा हो गया था, कोटा के अंदर विद्रोह तो काफ़ी बड़ा हो गया क्योंकि यहाँ पर आम जनता शासन कर रही है, आम जनता शासन कर रही है, तब उसने क्या किया? राजस्थान के एडीजी पैट्रिक लॉरेंस ने ये खबर कहाँ पहुँचाई? पैट्रिक लॉरेंस ने ये खबर दिल्ली पहुँचाई। तो पैट्रिक लॉरेंस ने जब ये खबर दिल्ली पहुँचाई तो दिल्ली के गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ की ये तो क्या थे? राजस्थान के एडीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन है भाई? पैट्रिक लॉरेंस। इन्होंने ये खबर दिल्ली पहुंचाई और दिल्ली के अंदर उस वक्त वायसराय को जो गवर्नर जनरल है वो कौन है? दिल्ली के जी जिसे कहा जाता है गवर्नर जनरल। दिल्ली के गवर्नर जनरल कौन थे? दिल्ली के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे भाई? लॉर्ड कैनिंग। अब कैनिंग ने क्या किया? यहाँ से एक पर्सन ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर एक पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन होगा कि लॉर्ड कैनिंग ने किसके नेतृत्व में, कैनिंग ने जिस व्यक्ति के नेतृत्व में सेना भेजी थी उसका नाम था रॉबर्ट्स। क्या नाम था? रॉबर्ट्स। क्या नाम था भाई? रॉबर्ट्स। रॉबर्ट्स के नेतृत्व में क्या भेजी थी? सेना भेजी थी। कहाँ पर भेजी थी? कोटा के अंदर भेजी थी। किसके नेतृत्व में? रॉबर्ट्स के नेतृत्व में। इसके नेतृत्व में सेना आई थी। एक ध्यान रखना, जब अगर आपको पूछ ले आउवा में जो सेना आई थी, आउवा में भी सेना कौन भेजता है? कैनिंग भेजता है। दिल्ली के जो है ना लॉर्ड कैनिंग, ये भेजता है आउवा के अंदर। तो यहाँ पर जो आउवा में जो सेना आई थी वो किसके नेतृत्व में आई थी, जल्दी से बताओ। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था आउवा में जो सेना आई थी। एग्जाम में ऐसे पर्सन पूछेगा कि 1857 की क्रांति में कोटा के अंदर जो विद्रोह हुआ था तो लास्ट में दबाने के लिए जिसके नेतृत्व में सेना भेजी गई थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? रॉबर्ट्स नाम था। क्या नाम था भाई? रॉबर्ट्स नाम था। रॉबर्ट्स के नेतृत्व में यहाँ पर सेना आई थी। रॉबर्ट्स के नेतृत्व में जब सेना आई थी, अब मैं आपको समझाता हूँ उसके आगे की घटना, एक बार इसे लिख लीजिए, उसके आगे की घटना पढ़ते हैं अपने। इनको बाद में फांसी दे दी जाएगी, जयदयाल और मेहराब खां थे, उनको बाद में कोटा दुर्ग के अंदर क्या दे दी जाएगी? फांसी दे दी जाएगी इस क्रांति के दमन के बाद में। ठीक है, अब ये आएगा, ठीक है, कौन आएगा? रॉबर्ट्स आएगा। रॉबर्ट्स के नेतृत्व में यहाँ पर सेना आती है। अब सेना जैसी आएगी, जैसे ये है अपना राजस्थान, ठीक है, यहाँ पर एक रियासत है, उस रियासत का नाम है करौली। ठीक है, कहाँ पर है? यहाँ पर। और करौली के उस वक्त जो राजा थे उसका नाम था मदन पाल। क्या नाम थे भाई? मदन पाल था। जब रॉबर्ट्स के नेतृत्व में सेना आई थी तो सहायता की थी करौली के किसने की थी? मदन पाल ने की थी। यहाँ पर जो जगह है उस जगह का नाम क्या है? कोटा है। अब देखो मदन पाल ने किसकी सहायता की थी? रॉबर्ट्स की सहायता की थी। रॉबर्ट्स थे ना जो अंग्रेज था जिसके नेतृत्व में सेना आई थी, रॉबर्ट्स की सहायता की थी। मदन पाल इसके साथ अपनी सेना लेकर आया था और कोटा दुर्ग के ऊपर जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने अधिकार कर रखा था और महाराव राम सिंह को जिन्होंने बंदी बना रखा था, महाराव राम सिंह को यहाँ पर उनको मुक्त करवाया गया था। किसके सहयोग से करवाया गया था? मदन पाल के सहयोग से करवाया गया था। अब यहाँ पर मदन पाल के सहयोग से किसको? राम सिंह को मुक्त तो करवा लिया। अब उसके बाद की घटना देखो, राम सिंह को जब मुक्त करवा लिया गया था तो करौली के मदन पाल ने सहायता की, तो मदन पाल ने जब सहायता की तो यहाँ के राजा इसे क्या करेंगे? उपाधि देंगे। एक मिनट दोस्तों, ठीक है, यानी अब इसने सहायता की क्रांति के अंदर, जिस प्रकार से जयपुर के राजा ने सहायता की थी तो उसे क्या दी थी? उपाधि दी थी। तो ठीक उसी प्रकार से रॉबर्ट्स जब सहायता करे, मदन पाल यहाँ पर सहायता करेगा तो मदन पाल को भी क्या दी जाएगी? यहाँ पर उपाधि दे दी जाएगी। अब देखो उपाधि क्या दी थी इसे? GCI की उपाधि। क्रांति के बाद इसे उपाधि दी थी, करौली के राजा को एक उपाधि दी थी, GCI ग्रैंड कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी इसे। किसकी उपाधि दी थी? ग्रैंड कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया, लिख लेना इसे। ठीक है, अब देखो GCI की उपाधि दी थी। उसके बाद जो करौली रियासत थी, करौली रियासत की जो तोपों की सलामी थी, तोपों की सलामी पहले इसके पास कितनी थी? 13 थी। कितनी थी भाई? 13 थी। और बढ़ाकर कितनी कर दी? 17 कर दी। अब देखो महाराव राम सिंह के ऊपर काफ़ी यानी जुर्म लगाए गए थे। यहाँ पर जो क्रांति का विद्रोह हुआ था, विद्रोह के
जो ब्रिटेन की हत्या का और इनके ऊपर राम सिंह के ऊपर क्या लगाए गए थे, आरोप लगाए गए थे। जब आरोप लगाए गए थे तो कोटा की जो 17 तोप सलामी का अधिकार था, कितनी का, 17 तोप सलामी का अधिकार था, सलामी का अधिकार था, वो छीन लिया गया इसे, इससे छीन लिया गया था अधिकार था, और इसे कितने दे दी, 13 तोप सलामी का अधिकार रखा, 13 तोप सलामी का अधिकार रखा, सलामी का अधिकार रखा, किसका भाई अधिकार रखा। तो वो बात करते हैं अपने किसकी करते हैं भाई, कोटा के राजा राम सिंह की बात करते हैं, ठीक है। क्रॉली ने सहायता की थी जीसीआई की, जिसे उपाधि मिली थी, तोपों की सलामी 13 से 17 कर दी गई थी और कोटा की 17 से 13 कर दी गई थी, राम सिंह के ऊपर आरोप लगाए गए थे। उसके बाद जयदयाल व मेहराब खां को कोटा दुर्ग के अंदर क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी, किसे भी, जयदयाल व मेहराब खां, मेहराब खां को कोटा दुर्ग में फांसी दे दी गई थी। कहाँ दे दी गई थी, कोटा दुर्ग में फांसी, कोटा दुर्ग में फांसी दे दी गई, ठीक है, ध्यान रखना, कोटा दुर्ग में फांसी दे दी गई थी जयदयाल और मेहराब खां को, बाद में कोटा दुर्ग के अंदर क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। नोट लगा कर लिखना, इससे संबंधित जो कोटा के अंदर विद्रोह है उसके अंदर राजस्थान में 1857 की क्रांति की विद्रोह में, 1857 की क्रांति में एकमात्र जगह जहां पर क्या फहराया गया था, जगह जहां तिरंगा फहराया गया था, तिरंगा फहराया गया था, इसलिए कहा जाता है कि कोटा के अंदर सुनियोजित व सुव्यवस्थित क्रांति हुई थी, लेकिन राजस्थान का सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था कोटा के अंदर, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो ये थी अपनी कौन सी विद्रोह की बात कर रहे थे हम, ये थी कोटा विद्रोह की बात हो गई है, ठीक है, ये कोटा के अंदर विद्रोह है। यहाँ से अगर कोई पर्सन आपको कोई डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कोई भी जो जवाब है आपका वो डाल दें, कोई समझ में नहीं आया वो दोबारा करवा दिया जाएगा, उसको आपको जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे पढ़े, इसका स्क्रीनशॉट लो ले लो, उसके बाद पढ़ेंगे धौलपुर में विद्रोह है, ये कोटा का विद्रोह था, कोटा में विद्रोह, बाद में जयदयाल मेहराब खां को फांसी दे दी गई थी, 6 मई तक यहाँ पर यहाँ की जनता ने क्या किया था, शासन किया था, उसके बाद इन्हें फांसी दे दी जाती है। अब देखो अब चलते हैं आगे, अब होगा आगे वाला जो विद्रोह होगा वो होगा धौलपुर के अंदर विद्रोह, पढ़ेंगे धौलपुर का विद्रोह है कि सर धौलपुर में विद्रोह कब हुआ था, धौलपुर में विद्रोह 27 अक्टूबर को हुआ था, धौलपुर राजस्थान का पश्चिमी जिला यही है ना, नहीं सॉरी पूर्वी जिला, और सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, धौलपुर के अंदर ही होता है। यहाँ पर विद्रोह हुआ था 27 अक्टूबर को, कब हुआ था, 27 अक्टूबर 1857 को हुआ था धौलपुर का विद्रोह। यहाँ की दो ही बातें खास है धौलपुर की, याद रखना दोस्तों, दोनों बातें एग्जाम में पूछी जा चुकी है, एक तो ये याद रखना यहाँ का राजा कौन था, राजा था भगवंत दास, नहीं भगवंत सिंह, कौन था, भगवंत सिंह, यानी जो धौलपुर का राजा था उस राजा का नाम क्या था, भगवंत सिंह था, क्या नाम था भाई, भगवंत सिंह मान लो, से भगवंत दास मान लो, एक ही बात है, भगवंत दास, भगवंत सिंह या भगवंत दास। अब देखो धौलपुर के अंदर विद्रोह हुआ था 27 अक्टूबर 1857 को, यहाँ के राजा भगवंत दास थे, यहाँ पर नेतृत्व करने वाले कौन थे, नेतृत्व करता के अंदर नाम आता है हीरालाल का, हीरालाल और रामचंद्र, और रामचंद्र नाम के दो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, यहाँ पर विद्रोह किया था। हम एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो बातें पढ़ रहे हैं, बाकी यहाँ पर घटना तो कुछ और ही होती है, ठीक है, लेकिन हमें जो एग्जाम में पूछा जाता है उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखो जब यहाँ पर हीरालाल और रामचंद्र ने विद्रोह किया था तो यहाँ पर जो सैनिक आए थे, यहाँ पर जो 1857 की क्रांति में जो धौलपुर में जो सैनिक आए थे वो बाहर से ही सैनिक आए थे और जिन्होंने विद्रोह किया था, और बाहर की सेना आई थी जिन्होंने यहाँ पर क्या किया था, इस सैन्य विद्रोह को दबाया था। तो सैनिक कहाँ से आए थे, ग्वालियर व इंदौर से आए थे, कहाँ से आए थे, ग्वालियर और इंदौर से सैनिक आए, सैनिक आए और क्या किया भाई, यहाँ की सेना के साथ क्या कर दिया, सेना के साथ विद्रोह कर दिया था, सेना के साथ क्या कर दिया, सेना के साथ विद्रोह कर दिया। जब यहाँ पर विद्रोह हुआ तो उसके बाद यानी ये विद्रोह हुआ, अब विद्रोह को दबाना भी पड़ेगा, कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, बस सिर्फ इतना याद रखना कि राजस्थान में यहाँ पर बाहर से सैनिक आए थे, टोंक में भी आएंगे लेकिन बाहर से, टोंक के अंदर भी आते हैं लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखना धौलपुर के अंदर आए थे, ग्वालियर और इंदौर से सैनिक आए थे जिन्होंने राज्य की सेना के साथ क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया। और विशेष बात क्यों याद रखनी है, इसे इसलिए याद रखना है क्योंकि यहाँ पर बाहर से ही सैनिक आए थे जिन्होंने विद्रोह किया था, और बाहर से ही सैनिक आए थे जिन्होंने यहाँ पर इस विद्रोह को दबाया था। तो कहाँ से आए थे भाई, बाहर से, पटियाला के सैनिक आए थे, पटियाला के सैनिक, अंग्रेजी सरकार के कहने पर पटियाला के सैनिकों ने यहाँ का विद्रोह, यहाँ के विद्रोह का क्या किया था, विद्रोह का दमन किया था, दमन किया था,
ठीक है, ध्यान रखना। धौलपुर की बात कर रहा हूँ मैं, धौलपुर के अंदर विद्रोह कब हुआ था? 27 अक्टूबर 1857 को हुआ था। धौलपुर का राजा कौन था? भगवान दास। नेतृत्वकर्ता कौन है? हीरालाल और रामचंद्र है। धौलपुर के अंदर जो सैनिक आए थे, क्रांतिकारी आए थे, वो ग्वालियर और इंदौर से आए थे, और यहीं पर पटियाला की सेना ने यहाँ के विद्रोह का क्या किया था? दमन किया था। यह था धौलपुर का विद्रोह, ठीक है, ध्यान रहे। अब पढ़ते अपने आगे, टोंक का विद्रोह है, ये धौलपुर का विद्रोह था, ये छोटी छोटी बातें, कोटा का विद्रोह था, ठीक, वो करवा दिया आपको, ठीक है। हाँ, अब देखो आगे, उसके आगे आप पढ़ेंगे टोंक में विद्रोह, कहाँ पर पढ़ेंगे भाई? टोंक में विद्रोह। टोंक का संस्थापक आप सभी को पता है, अंग्रेजी सरकार के सहयोग से मीर खां पंडारी ने इस यहाँ पर टोंक की क्या की थी? स्थापना की थी। टोंक में जो विद्रोह हुआ था उसकी निश्चित तारीख नहीं आती है, नवंबर 1857, ठीक है, नवंबर 1857 को यहाँ पर क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था, टोंक के अंदर विद्रोह हुआ था। टोंक के राजा कौन थे? वजीरुद्दौला थे, यानी 1857 की क्रांति के समय जो टोंक के राजा थे, राजा का नाम क्या आता है? वजीरुद्दौला। क्या नाम आता है भाई? वजीरुद्दौला। टोंक के जो राजा थे उनका नाम था वजीरुद्दौला, नाम आता है, ठीक है। अब देखो, पहले तो बताता है कि वजीरुद्दौला ने अंग्रेजों का साथ दिया था, उसके बाद में ये क्रांतिकारियों के साथ हो गया था। ये बात मिलती है, मैं किसके बारे में मिलती है? वजीरुद्दौला के बारे में सुनने को मिलती है। अब देखो, टोंक में विद्रोह होने के बाद यहाँ पर हुआ क्या था? टोंक के अंदर जो विद्रोह हुआ था वो भी बाहर की सेना ने किया था, लेकिन करने का कारण क्या था? यहाँ पर विद्रोह करने का कारण अगर आपको पूछ ले तो, यहाँ पर सैनिकों को वेतन देने से मना कर दिया था, यहाँ पर सैनिकों को वेतन देने से मना कर दिया था, वेतन देने से मना कर दिया था। तब यहाँ पर बाहर के भी सैनिक आते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। यानी कि यहाँ पर अगर आपको पूछ ले टोंक में विद्रोह का कारण क्या था, तो टोंक में विद्रोह का कारण ये था कि यहाँ के जो टोंक के जो सैनिक थे, उन सैनिकों को वेतन देने से मना कर दिया था वजीरुद्दौला ने, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया था? विद्रोह हो गया था, ठीक है। यहाँ पर जो ग्वालियर के क्रांतिकारी आए थे, कहाँ से आए थे भाई? यहाँ पर भी ग्वालियर के क्रांतिकारी आए थे, ग्वालियर के क्रांतिकारियों के सहयोग से, क्रांतिकारियों के सहयोग से, ग्वालियर के क्रांतिकारियों के सहयोग से यहाँ पर क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था, विद्रोह है हुआ था, ठीक है। यानी किसके सहयोग से हुआ था? ग्वालियर के क्रांतिकारियों के सहयोग से यहाँ पर क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। कहाँ पर भाई? टोंक के अंदर जो विद्रोह हुआ था वो ग्वालियर के क्रांतिकारियों के सहयोग से हुआ था, ध्यान रखना। वेतन देने से जब मना कर दिया गया था तब की बात है ये, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आपको पता ही होगा टोंक के अंदर कौन आया था, तांत्या टोपे भी आए थे, टोंक में कौन आए थे? टोंक में तांत्या टोपे भी आए थे, क्योंकि राजस्थान की टोपे आए थे, राजस्थान की सभी रियासतों में गए थे, सिर्फ जैसलमेर रियासत को छोड़कर, टोंक में तांत्या टोपे आए थे, सिर्फ एक रियासत को छोड़कर सभी रियासतों में गए थे ये तांत्या टोपे। बताते हैं कि तांत्या टोपे को यहाँ पर महिलाओं के द्वारा इनका स्वागत किया गया था, महिलाओं के द्वारा तांत्या टोपे का क्या किया गया था? द्वारा स्वागत किया गया था, स्वागत किया, और तिलक निकालकर यहाँ पर क्रांति की शुरुआत करवाई गई थी, यानी तिलक भी निकाला था और तिलक निकालकर स्वागत किया था, किस तिलक निकालकर स्वागत किया, निकालकर स्वागत किया किसका भी? तांत्या टोपे का स्वागत किया, ठीक है, तिलक निकालकर महिलाओं के द्वारा किसका स्वागत किया गया था? तांत्या टोपे का स्वागत किया गया था। और नोट लगाकर लिखना, राजस्थान में एकमात्र इसी जगह क्रांति हुई थी, ये टोंक के अंदर राजस्थान की एकमात्र रियासत टोंक थी जहां पर जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के अंदर महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया था, यहां पर महिलाओं व बच्चों ने भाग लिया था, किसने भाग लिया था? महिलाओं व बच्चों ने भाग लिया था। ये एकमात्र स्थान राजस्थान में एकमात्र स्थान था जहाँ पर महिलाओं और बच्चों ने भी क्या लिया था? क्रांतिकारियों के साथ क्या लिया था भाई? भाग लिया था। अब देखो, टोंक में विद्रोह होने के यहाँ पर कुछ एक अन्य तथ्य भी मिलते हैं कि इनकी जो मामा जी थे, उनके जो भतीजे भांजे थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, क्रांतिकारियों का साथ दिया था। लेकिन आपको ये दो तीन बातें ये ध्यान रखना, एक तो ये नोट लगा कर लिख लेना दोस्तों, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। यहाँ पर जो महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया था, ये राजस्थान की एकमात्र रियासत है, ठीक है। देखो, बाद के अंदर क्या हुआ था? टोंक के जो शासक है वजीरुद्दौला, ठीक है, भारत के अंदर उस वक्त क्रांति की जो नेतृत्व कर रहा था, भारत के अंदर क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर सेकंड कर रहे थे, आपको पता ही होगा। तो बहादुर शाह जफर की ये सहायता करता है, कौन करता है? वजीरुद्दौला। ये भी आप नोट लगा कर लिखना, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। राजस्थान से किस रियासत के व्यक्ति ने 600 अपने सैनिक भेजकर, मुजाहिद जो धर्म रक्षक होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी मुस्लिम था और बहादुर शाह जफर भी मुस्लिम थे, तो मुजाहिद थे, 600 मुजाहिद भेजकर उनकी क्या की थी? इन्होंने सहायता की थी। ये भी नोट लगाकर लिख लेना आप बात, कि टोंक के शासक वजीरुद्दौला ने
टोंक के राजा वजीरुद्दौला, वजीरुद्दौला ने, टोंक के राजा वजीरुद्दौला ने किसका सहयोग किया था, बाद में सहयोग किया था, जिसका किया था उसका नाम क्या आता है, पांच मिनट बाकी है। टोंक के राजा वजीरुद्दौला ने, टोंक के राजा वजीरुद्दौला ने बाद में किसकी सहायता की थी, दिल्ली के बहादुर शाह जफर की सहायता की थी, किसकी भाई, दिल्ली के बहादुर शाह, बहादुर शाह सेकंड की सहायता की, के सहायता की। अगर पूछ ले कि कितने सैनिक भेजे थे तो 600 मुजाहिद भेजे थे, धर्मरक्षक जिनको कहा जाता है, 600 मुजाहिद, मुजाहिद धर्मरक्षक, धर्मरक्षक भेजे थे, ठीक है, किसने, टोंक के शासक वजीरुद्दौला ने भेजे थे, ठीक है। यहाँ पर नोट लगाकर बात ये याद रखनी है कि महिलाओं ने भी यहाँ पर क्या लिया था, भाग लिया था, ठीक है। और टोंक के संस्थापक आपको मैंने बताई दिया मीर खां पिंडारी, मीर खां पिंडारी के उत्तराधिकारी कौन थे, वजीरुद्दौला थे, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ से भी, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पर विद्रोह हुआ था तो पहले तो इन्होंने वेतन देने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था, लेकिन बाद में जो विद्रोह हुआ था तो पिछला बकाया था उसको भी निकलवा लिया था क्रांतिकारियों ने, यानी विद्रोह होने के बाद, यहाँ पर जो विद्रोह होने के बाद क्या हुआ था, यहाँ पर विद्रोह होने के बाद जो बकाया हुआ था, बंचा हुआ था, जो शेष धनराशि थी, पहले जो वेतन बंचा हुआ था वो भी यहाँ के क्रांतिकारियों ने निकाल लिया था। ये थे इस प्रकार से 1857 की क्रांति के राजस्थान में प्रमुख केंद्र हमने पढ़ लिए हैं सारे के सारे, हमने नसीराबाद, उसके बाद भरतपुर, सारी एक एक चीज को हम पढ़कर अध्ययन, नीमच, फिर एरनपुरा छावनी के अंदर विद्रोह हुआ था, फिर कोटा के अंदर पड़ा है, उसके बाद धौलपुर और उसके बाद टोंक के अंदर ये विद्रोह पड़े हैं, प्रमुख विद्रोह जो केंद्र थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। उसके बाद अब क्रांति से संबंधित क्या बातें बन गई है, क्रांति से संबंधित आपको ध्यान रखना दोस्तों, एक तो बन गया हेमू मालानी, जिसको मैं लिखवा देता हूँ आपको अभी, ये क्रांति के प्रमुख केंद्र थे, जल्दी से लिखवा देता हूँ मैं आपको, यानी हेमू मालानी राजस्थान से सबसे कम उम्र के शहीद होने वाले व्यक्ति, सरदार सर चूरू से थे, जिनको टोंक के अंदर 16 वर्ष की उम्र में क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। उसके बाद अमरचंद बाठिया, शायद शुरुआत में मैंने आपको करवा दिया अमरचंद बाठिया, अमरचंद बाठिया के बारे में, यह राजस्थान से प्रथम शहीद होने वाला अमरचंद बाठिया था, बीकानेर रियासत से था, और उसके अलावा जिन्होंने ग्वालियर के अंदर तांत्या टोपे व रानी लक्ष्मीबाई की सहायता देकर, धन देकर सहायता की थी, उस जिसको कहा जाता है राजस्थान का क्या कहा जाता है, मंगल पांडे कहा जाता है, 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है, और राजस्थान का दूसरा भामाशाह जिन्हें कहा जाता है, जो बीकानेर के निवासी थे, पहले वो जो अमरचंद बाठिया थे वो नसीराबाद सैनिक छावनी के एक सैनिक थे, लेकिन बाद में उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया था ग्वालियर के अंदर, ठीक है, तो उनको वहाँ पर ग्वालियर के अंदर फांसी दे दी गई थी, तो वो भी महत्वपूर्ण, यानी एक तो हेमू मालानी जो सबसे कम उम्र में शहीद हुए थे, और अमरचंद बाठिया जो बीकानेर रियासत से थे, जो राजस्थान के सर्वप्रथम शहीद होने वाले व्यक्ति थे, ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों के बारे में। उसके बाद बन गए हैं इन क्रांति से संबंधित जो कथन है, महत्वपूर्ण क्या है भाई कथन, उन कथनों के बारे में अपने क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। हेमू मालानी से संबंधित मैं जल्दी से आपको दो बातें बता देता हूँ। हेमू मालानी था, ये कहाँ से थे, सरदार शहर चूरू से थे, सरदार शहर चूरू से, कहाँ से थे भाई, सरदार शहर चूरू से, इन्हें टोंक में फांसी दे दी गई थी, कहाँ दी, टोंक में फांसी, कितने वर्ष की उम्र में दी थी, टोंक में फांसी 16 वर्ष की उम्र में इन्हें कहाँ फांसी दी, टोंक के अंदर फांसी दी थी। ये राजस्थान से कम उम्र में शहीद होने वाले व्यक्ति थे, राजस्थान के सबसे कम उम्र के शहीद होने वाले कौन थे भाई, हेमू मालानी थे होने वाले, ठीक है। एक बंच के एक की बात कर लेता हूँ, अमरचंद बाठिया के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये इनका संबंध है, वो कहाँ से था, बीकानेर रियासत से था, कहाँ से था, बीकानेर रियासत से, राजस्थान का द्वितीय भामाशाह इन्हें कहा जाता है, भामाशाह 1857 की क्रांति का भामाशाह। प्रथम भामाशाह कौन थे, जो यहाँ पर दूसरा लिखा है, तो प्रथम आपको पता है प्रथम भामाशाह स्वयं थे, जो इन्होंने प्रताप की सहायता की थी। उसके बाद राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है, वो भी इन्हें कहा जाता है, अमरचंद बाठिया को। इन्होंने ये ग्वालियर के अंदर रहते थे, ग्वालियर में सेठ का काम करते थे। कौन भी, जो अमरचंद बाठिया, वो किसका काम करते थे, सेठ का। पहले ये नसीराबाद सैनिक छावनी में थे, याद रखना ये सैनिक थे पहले, ये नोट लगाकर लिख लेना, नसीराबाद में क्या थे, सैनिक थे, और इन्होंने तांत्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की क्या की थी, सहायता की थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये बंच गया तांत्या टोपे बंच गए, और उसके अलावा जो बंच गए 1857 की क्रांति के जो महत्वपूर्ण कथन है उनको पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, क्लास को सभी साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज इस शुभ अवसर गुरु पूर्णिमा के ऊपर जिन विद्यार्थियों ने मैसेज के माध्यम से बधाइयाँ दी थी, ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।